ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैके। ये एपिसोड बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं, आपके पास पे बहुत अच्छा सा एक साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए और अकॉस्टिक रूम होना चाहिए और पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। तो मैंने आपको नीचे की भी रिकॉर्डिंग, स्टूडियो की भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई, और अब मैंने आपको एक आउटडोर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ काफ़ी शोर है यहाँ पर, और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया सेम माइक सेम सारे फॉर्मेट के साथ में, बट ये जूम रिकॉर्डर को हमने लगा लिया था एज अ साउंड ऑडियो इंटरफेस की जगह पे। तो कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखिए, अगर आप मन में ठान लीजिए तो कुछ भी हो सकता है। एंड अब इसको दोनों को हम मिक्स करके आपको सुनाते हैं कि साउंड कैसा आया है, एंड फिर उसके बाद आप लोग जज करिएगा कि क्या इंसान के अंदर की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए। बनिस्बत हमारे पास मशीनें, माइक्स, ये हेडफोन्स, साउंड प्रूफ रूम्स वगैरह वगैरह होने चाहिए। तो मेरा ये एपिसोड बनाने का मकसद ये है कि देखो, अगर आपको करना है और आप करना चाहते हैं तो आप अपने उस रूम में भी कर सकते हैं जिसमें आप हमेशा से रहते चले आ रहे हैं। आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपको तरीके पता होना चाहिए कि कैसे किया जा सकता है। तो ये दोनों मिक्स करके मैं आपको सुनाऊंगा, एक वो वाला मिक्स करके जो कि आपने पहले साउंड प्रूफ रूम के अंदर हम लोगों ने किया, और एक ये वाला भी आपको सुनाऊंगा जो हम लोगों ने आउटडोर में किया हुआ है। ये वही छत है जहाँ पर मैंने अपने एक एपिसोड बनाया था, ये मेरे स्टूडियो की बेसिकली टेरेस है। एंड और मैं आपसे एक बात बताऊँ कि कोशिश करो यार, कोशिश करने में कुछ जाता नहीं है। एंड ये एक एपिसोड है जिससे आपको पता चलेगा कि आउटडोर में भी हम लोग स्टूडियो क्वालिटी साउंड कैसे दे सकते हैं जहाँ पे हमारे पास साउंड प्रूफ रूम नहीं है। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैके सच्चियां मोहब्बतां निभाके, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिलाके, दिल दियां गल्लां। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में आंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मोहब्बतां निभा के, है दिल दियां गल्लां। तो देखिए, अभी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग आपने सुनी, आउटडोर की रिकॉर्डिंग आपने सुनी, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस नहीं हुआ होगा, पर फ़र्क तो है, जाहिर सी बात है कि फ़र्क है, बिल्कुल है। लेकिन अगर किसी के पास साउंड प्रूफ रूम नहीं है या ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब साइलेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अगर आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। EQ करना बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके यहाँ मिक्सर नहीं है क्या, तो देख लो भाई, हमारा ये मिक्सर है, ये हमारा इक्वलाइज़र है जिससे हम लोग मिक्स करते हैं, मास्टरिंग करते हैं एंड सारी चीज़ें करते हैं। एंड आपके पास अगर टैलेंट है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो शौक़, वो जज्बा, वो पैशन नहीं है इस काम को लेके, तो आप नहीं कर सकते हैं। ये बात तो मैं आपको पहले से बता दूँ। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा और ये रिकॉर्डिंग EQ होने के बाद में ऐसा साउंड आया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टली अगर आप सुनेंगे तो साउंड वैसा नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको विदाउट EQ किया हुआ साउंड भी आपको सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और इक्वलाइज़र के EQ करने के बाद में आपको साउंड सुनाता हूँ तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी
दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के सच्चियां मोहब्बतां निभाके है दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के है दिल दियां गल्लां। तो ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं अगले एपिसोड और इस तरीके के आपके पास लेकर आता रहूं। और ये जो बाहर वाली रिकॉर्डिंग थी वो इस जूम H4N से थी, जो कि हम लोगों ने फैंटम पावर सप्लाई को यूज़ करते हुए वो वाला कंडेंसर माइक जो हमारे पास नया हम लेकर आए थे उसको हमने यूज़ कर लिया था और वहाँ से किया था। और ये जो स्टूडियो वाली रिकॉर्डिंग है वो बेसिकली फोकस राइट यहाँ पे जो ये साउंड कार्ड रखा हुआ है ऑडियो इंटरफेस उसके थ्रू थी यहाँ पे, क्योंकि इसको करने के लिए हमको एक कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता पावर सप्लाई के लिए, इसके पास अपनी पावर सप्लाई होती है। तो जो लोग मुझसे ये पूछते थे कि मैं कौन सा रिकॉर्डर खरीदूँ, तो जूम H4N आप ले सकते हैं, मेरा बिल्कुल यूज़ किया हुआ है और मेरे पास दो हैं तो हम लोग करते रहते हैं। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, टाटा।